हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंड हेयर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए साइन स्टार कैटल का रिव्यू लेकर आई हूँ। साइन स्टार कैटल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये कैसे यूज़ की जाती है वो आज इस वीडियो में आप देखिए। खोलते हैं बॉक्स को। ये केटल का एलिमेंट है जो कि बिजली से चालू होता है, इलेक्ट्रिसिटी है ये केटल। और ये केटल जग है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, यानी ये ऑटोमेटिक है। जब इसमें हम कुछ बनाते हैं या गर्म करते हैं तो ये जब बन जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है। नेम देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक केटल, पावर 1000 वोल्टेज, 220 वाट फ्रीक्वेंसी, 50 HZ। प्राइस आप इधर देख सकते हैं, इस पे 725 लिखा हुआ है। ये हमें 600 की पड़ी है, कुछ परसेंट लेस करके 600 की पड़ी है ये केटल हमें। तो चलिए शुरू करते हैं केटल जग से। ये केटल जग है। मैं अंदर वेट की बात करें तो इसमें 1 लीटर पानी आ जाता है हमारा। 1 लीटर पानी हम अच्छे से गर्म कर सकते हैं। वैसे तो हमारे बॉक्स पर इसका पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो 1.2 लीटर यानी 1 लीटर 200 ग्राम इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं भरना है, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो स्टीम बनती है और स्टीम बनने से ये ख़राब हो सकता है। जैसे ऊपर पानी निकल के आएगा तो एलिमेंट पे पानी जा सकता है, तो इसलिए हमें 1 लीटर पानी इसके अंदर भरना है बस। या 1 लीटर से आपको जितनी भी कम की ज़रूरत है आप उस हिसाब से पानी ले सकते हैं। ये वायरलेस है और हम पानी गर्म करके इधर उधर ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने रूम में पानी गर्म किया है और हमें दूसरे रूम में पानी देना है तो हम जग उठा करके वहाँ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वायर लगा हुआ है तो दिक्कत होगी, इसमें कहीं भी वायर नहीं है। ये केटल का एलिमेंट होता है और इसमें वायर दिया हुआ है। ये देखिए वायर है इसका 1 मीटर का। तो चलिए अब हम इसमें पानी गर्म करके देख लेते हैं कि कैसा पानी गर्म होता है। सबसे पहले हम जग को सेट करेंगे एलिमेंट के ऊपर। हमने जग को सेट कर दिया है, स्विच लगा दिया है। मैंने 250 ग्राम पानी लिया है, 250 ml पानी को केटल जग में डाल देंगे और जग को बंद कर देते हैं। केटल जग की हत्ती के नीचे ये स्विच होता है और इसको उठा देंगे इस तरीके से और यहाँ केटल जग में एक लाइट ऑन हो जाएगी जो कि आप देख सकते हैं अभी ऑन है और कुछ आवाज़ भी आ रही है पानी गर्म होने की। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी और स्विच नीचे हो जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें केटल जग में इधर जाली दे रखी है जो कि इससे बाहर निकलती है। अभी आप देख रहे हैं हमारा पानी गर्म हो रहा है और स्टीम बाहर आ रही है और कुछ आवाज़ भी आ रही है पानी के अंदर से। देखिए पानी गर्म हो गया, बहुत तेज़ी से स्टीम निकल रही है और यहाँ जो लाइट जली हुई थी वो लाइट बंद हो गई है अपने आप और ये स्विच नीचे आ गया है। जब ये ऐसे उठा हुआ था ऊपर की तरफ तो खोलेंगे केटल को, पानी अच्छे से उबल रहा है खूब अच्छे से। जग को उठाएंगे हम, जगी हुई आसानी से उठ जाता है, ऐसा नहीं है कि फंस रहा है इसमें या फिर इसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसे ही उठ जाता है एलिमेंट के ऊपर से। पानी को हम कप में डाल लेते हैं। हमें 250 ग्राम पानी गर्म करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा है और 1 मिनट में पानी उबल गया है हमारा अच्छे से। तो ये देखिए आप ये कितनी जल्दी से बिना गैस जलाए बिना कुछ सामान फैले अच्छा काम कर देती है। इसमें आप चाय भी बना सकते हैं, दूध भी गर्म कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं,
अधिकतर ये जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जो लोग अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है कि वो अपना छोटा छोटा कुछ बना करके खा सकते हैं इसमें आसानी से, और बड़ी ही अच्छी और बहुत कम समय में बन जाती है। गैस सिलेंडर की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं बिजली से चलती है ये, और बहुत कम समय में जल्दी से सामान बना देती है। जब भी आप चाय बना रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं, खिचड़ी मैगी जो भी कुछ बना रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत इसमें चिपक जाता है, तो इसे आप ग्रीन स्पंज वाला जूना आता है, आप उसे साफ़ करें, क्योंकि इसे वैसे जूने से रगड़ना ठीक नहीं है। तो इसकी सेफ्टी के लिए आप स्पंज वाला ग्रीन वाला जूना लें। ये है सुपर ब्राइट स्क्रब पैड, ये इसे साफ़ करने में बहुत ही मदद करता है और बहुत जल्दी इसे साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 20 रुपए का आता है और ये बहुत समय तक चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इलेक्ट्रिक कैटल का रिव्यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।